ध्यान पेपर ये तो ग्रोइंग नेम है आपका एक डुप्लेक्स बोर्ड में सर इंडिया में. यार मैंने सी द बैकग्राउंड ऑफ द डायरेक्टर्स, दे आर प्योरली फ्रॉम द सेरेमिक इंडस्ट्री. यस. तो सेरेमिक से पेपर प्रोडक्शन में आना आपने कैसे प्लान किया इसको? एक्चुअली किया था दो साल पहले, तीन साल पहले मैंने नया सिरेमिक का ही प्लान लगा रहे थे, लेकिन बाद में सोचा कि टाइल्स का किया है, डेली नया नया चाहिए था, वाइट कलर जॉब है, और एक बार सेट प्रोडक्शन और क्वालिटी सेट हो गया तो बाद में आराम है इसका, ये सोच के दूसरे दिन मिल का प्लान किया. बाद में अच्छे अच्छे कौन कौन मशीनर सप्लाई उसको किया, तो जेएमसी और पैरासनी सब जगह पे थे, अपने को कुछ नॉलेज नहीं था, एक भी एक्सपेरिमेंट नहीं था, एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं था, फिर भी ये डाल दिया. आपने जेएमसी और पैरासनी को चूज किया, जैसे मैंने जो करे सप्लायर बॉय था वॉलमेट, आपने इनको ही चूज किया? लेकिन क्या है, ये पूरा अपना इंडियन है, और दूसरा ये पूरे के पूरे नॉलेज वाले और एक्सपेरिमेंट, मैंने दोनों का साइट देखा, दोनों का मशीनरी का वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट देखा, सब कुछ उसका टेक्निकल टीम देखा. अपने को कुछ नॉलेज नहीं था इसके लिए, अपने पास कुछ क्वेश्चन आंसर थे ही नहीं उस टाइम, सिर्फ यही बोला था कि मेरे को ये क्वालिटी चाहिए और 200 टन का प्रोडक्शन चाहिए, आपको जो लगाना है वो लगाओ. मैंने कभी बार्गेनिंग भी नहीं किया प्राइस में, कि उसके हिसाब से ही उसने लगाया. पूरे का पूरा पल्प मिल है, देखो पैरासन वो ए टू जेड पल्पर से लेके टॉक टॉक पैरासन है, यही बोला था कि मेरे को ये क्वालिटी चाहिए, 300 टन का पल्प चाहिए, उसके हिसाब से आप प्लानिंग करो. टीएमसी वाले को बोला ये क्वालिटी चाहिए, 200 टन अपना मशीन का प्रोडक्शन चाहिए, हिसाब से आप प्लान करो. सब दोनों का सपोर्ट से ही सब कुछ कंप्लीट ही है. आप प्रोजेक्ट को स्टार्ट हुए दो साल हो गए हैं, अभी आप अपने प्रोजेक्ट को कैसे, आप कितना एक्सपर्टाइज आपने इसको गेन कर लिया है, अपनी मैन्युफैक्चरिंग पे, अपनी सेलिंग पे, अपनी ब्रांडिंग पे? सर अपना किया है प्रोडक्ट, एट द टाइम इनिशियल स्टेज अपना 200 टन का मिल था, अभी लगाया तब 200 टन का ही मिल लगाया हुआ है, आज जब उसमें मैं 300 टन पर निकल रहा हूँ. दीपावली के बाद में थोड़ा मॉडिफिकेशन किया, पांचवा वायर डाला, थोड़ा इन्वेस्टमेंट किया, अभी मैं इसमें 300 टन आराम से प्रोडक्शन निकल रहा हूँ. इस महीने का मेरा टारगेट है 9000 टन, पहुंच भी जाएगा वो भी श्योर है. आपका ये टोटली इंडिजिनस सेल रहती है या इसमें आपका एक्सपोर्ट का कुछ परसेंटेज है? टोटली डायरेक्ट एक्सपोर्ट 40% एंड 16 कंट्री इंक्लूडिंग तुर्की, वियतनाम, यूएसए, जॉर्डन, सो मेनी कंट्रीज, 16 टोटल 16 कंट्रीज. गवर्नमेंट प्लान कर रही है सिंगल यूज प्लास्टिक बैन करने पे, तो अभी पेपर बैग्स बहुत सारी कैटेगरीज में डिमांड जनरेट हो रही है और शॉर्टेज बन रही है, अभी ध्यान कुछ और मार्केट सेगमेंट में आने की प्लान कर रहे हैं? अभी कुछ नहीं है प्लानिंग, लेकिन विद इन 2 ईयर अगर SI चलेगा तो विद इन 2 ईयर वी विल प्लान न्यू फैक्ट्री, वो PM-2 इट इज फाइनल. कितना वो अभी कुछ सोचा ही नहीं, अभी कुछ प्लानिंग ही नहीं किया है. और दूसरा किया है, अपने पास लैंड तो अभी काफ़ी पड़ा है, 26 एकड़ में अपना प्लान है और 26 ओपन है पड़ा है, ये इन सिंगल कंपाउंड. मेनली जो बेसिकली आपका जो यूज होता है प्रोडक्ट वो कॉरोगेटर्स में जाते हैं, एम राइट? कॉरोगेटर्स तो है ही, और डायरेक्ट बड़े बड़े प्रिंटर्स पाकिस्तान जाते हैं. तो एग्जिस्टिंग जो कॉरोगेटर्स या प्रिंटर्स होते हैं, ऐसी आपने क्या वो कंप्लेंट्स देखी उनके एग्जिस्टिंग सप्लायर, जो पेपर सप्लायर जो आपने अपने पेपर से उनकी कंप्लेंट को दूर कर दिया? स्टार्टिंग में काफ़ी कंप्लेंट आई थी, अपने पेपर में भी काफ़ी आई थी कि सेंड का था, और उसके बाद में प्रिंटेबिलिटी अच्छा नहीं था, ग्लॉस. लेकिन अभी 99% स्टिफनेस बढ़ गया, बल्क बढ़ गया अपना, और 100% ज्योरिटी है अपने पेपर में, उसको भी मज़ा आता है प्रिंटर्स को भी, और प्रोडक्शन भी उसका ज़्यादा निकलता है. क्वालिटी इन्हांसमेंट में आपके सप्लायर से जैसे पैरासन, GMC का कितना रोल है क्वालिटी इन्हांसमेंट में, क्वालिटी सर्वे, क्वालिटी ऑडिट में? वैसे तो काफ़ी सारा रोल सब उसका ही रोल है. हम लोगों को तो किया है, हम अपना प्रॉब्लम बताते थे, मेरा प्रॉब्लम है सॉल्यूशन वो करते थे, क्या करने का वो उसके हिसाब से उसके प्लान में करके और मेरे को देते थे सॉल्यूशन, ये करना पड़ेगा, और बाद में उसने ही सपोर्ट किया है दोनों. अभी चाइना कम्प्लीटली बैन कर रहा है, इससे थोड़ा बेनिफिट और इंडस्ट्रीज को थोड़ा, इसके जो रॉ मटेरियल प्राइसेस नीचे आ गए हैं और टैक्सेस ड्यूटी में थोड़ी गवर्नमेंट की तरफ से जाए थे, तो अभी जो मार्जिन है काफ़ी इम्प्रूव्ड है. अच्छा, तो इस मार्जिन जो इम्प्रूवमेंट हुआ है इसको पेपर मिल जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करना चाहिए? नहीं, अभी क्या है, पहले से ही अपना टारगेट यही रहता है कि 50% मार्जिन मैं हर साल इसमें ही लगा रहा हूँ, कोई दिलकत, क्योंकि अपना ब्रांड बनाने का है. आज पाकिस्तान TCPL बोर्कर जो बड़ी बड़ी प्रिंटर्स है इंडिया के, उसमें सब मैं अपना पेपर जा ही रहा है और मैं रेगुलर सप्लाई कर ही रहा हूँ. उसको पहले अपना प्रायोरिटी पहले चाहिए, ध्यान पहले, ध्यान नहीं मिलेगा तो दूसरी जगह जाने का, ऐसा करने का है.